पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त करते सपा सांसद का ऑडियो वायरल। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। अब उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सपा सांसद एक जिला पंचायत सदस्य को 20 लाख रुपए में खरीदने की बात करते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य ही वोट करके जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, जिसमें अक्सर सदस्यों की खरीद फरोख्त की चर्चाएं तो होती रहती हैं, पर अब सपा सांसद की ऑडियो सामने आने के बाद इस पर मोहर लगती साफ दिखाई दे रही है। वैसे तो कोई भी ऑडियो जांच के बाद ही कंफर्म की जा सकती है, पर पैसे का लालच और लानत देने वाला व्यक्ति खुद को सांसद जरूर कह रहा है। आज रात तक तुम क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो या तुम बहुत बड़े चालाक हो गए हो? क्यों, आपको तो कही थी वाले तो फोटो आ गए मेरे पास कि तुम तहमत पहने हो किसी रिसोर्ट में खाना खा रहे हो। कौन से फोटो? तुम्हारे कौन है? तुम अगर बिक गए हो तो मुझे बताया क्यों नहीं कि साहब मैं भी बिक गया? बिकने को ना था, बात हो गई थी। अब बात होने के बाद जब मेंबर देख के आया था, देखो मेंबर कितने हैं इनके पास, वो वाली बात सही निकली जो मैंने आपको बताया था कि इतने मेंबर इनके पास हो गए हैं, और उसी चीज को देखने के लिए गया था कि बेवकूफ तो ना बना रहे। उसी टाइम ये कम से कम ये 10-12 दिन पहले फुट हुए हैं, और 10-12 दिन 8-9 दिन हो गए होंगे, तो और जो है उसी टाइम जो फिर उन्होंने खाना वाना भी खाया था हमने सबने, तो जब ही के फोटो होंगे ये। तुम्हारा मुझे साफ साफ बताओ क्या इरादा है? तुमने मेरे तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया ये कह के कि साहब डॉक्टर साहब ही करेंगे और मैं जैसा वो करेंगे। तुम तो ये कह दिए मेरी नमानी, तो बताओ मैं क्या करूँ जब तुमने भी तो उसके साथ धोखा करा। तुम तो ये कह दिए मेरे साथ, अब तुम ये भी तो कह दो डॉक्टर साहब इनसे कि सुधरे तुमने प्रत्याशी उस टाइम उतारा, तुम खुद मिलोगे ना होगा प्रत्याशी उस टाइम उतारा, जिस टाइम उनके पास 29 मेंबर हो गए। कुछ भी उतारा नासिर कुरैशी का टिकट कट के मुझे मिला था, तो ये थोड़ी के समाजवादी के लोगों ने मुझे नहीं लड़ाया। कह रहे होगे मेंबर इन प्रत्याशी उन्होंने उस टाइम उतारा, जब उनसे पूछ लिया कि ना हो गए अलग उतार दो। हाँ, ये इस तरीके से उतारा प्रत्याशी, और आपको जो है टॉर्च कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब का आदमी रहा, इनसे पूछो तुम यादव कहाँ है जब इस पर मेरे एक आदमी के लिए ऐसे वो कर रहे हो? अपने तो दो पहले, मैं रिजवान को बुला लूंगा, रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनका जिम्मेदार थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है, पहले अपने तो बुला लो, रिजवान को मैं जानू। नहीं, रिजवान के बारे में तो साफ इस कदर लोग बुरा वाला कह रहे हैं पूरे इलाके में कि ये इसने डॉक्टर साहब के साथ भी धोखा कर दिया है, ऐसे आदमी के साथ धोखा कर दिया जिसने जिंदगी भर इसका साथ दिया, तो तुमसे तुमसे बड़ा है एहसान फरामोश कौन है? तुमने तो वो काम किया मेरे साथ जो मेरा दुश्मन भी नहीं करता। डॉक्टर साहब ये तुम्हें इस तरीके से बोल रहे हैं कि ताकि आपको गुस्सा आवे, ये उल्टे उल्टे सीधे काम थे। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी क्या कह रही थी? अगर पार्टी ने किसी को प्रत्याशी बनाया तो किस क्या जिम्मेदारी थी तुम्हारी? तुम पार्टी के वोटों से जीते हो या बीजेपी के वोटों से जीते हो? मुसलमान ने तुम्हें किस लिए दिया वोट कि तुम समाजवादी के हो? इसलिए नहीं दिया कि तुम तुम्हें तुम्हें लोग ही पता नहीं है। तुम इनसे इनसे तो पूछते हो, ये तो तुम्हें कह रहे हैं कि सब हेलो तुम ये तो कोरोना हो गया था, तुम में से कोई आदमी गया उसे लड़ाने के लिए, आज तुम समाजवादी का वो कर रहे हो। समाजवादी का वो कर रहे हो, लड़ाना लड़ूना की बात छोड़ो। पब्लिक ने किसको वोट दिया? रिजवान को नहीं दिया पब्लिक ने वोट, पब्लिक ने दिया समाजवादी को, साइकिल को। 10% रिजवान का था तो 90% समाजवादी का था, ये तुम भूल गए। तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब, जो जुबेर चुनाव लड़ लिया था, जुबेर जब जहां जाकर जयवीर यादव से बात कराया करा, तो जयवीर यादव ये क्या करा कि हाँ चलो सही आदमी दे दी उसी दे दी वोट? किसे टिकट देने के बाद भी किसे? कैंसिल कर दिया
वो बताइए क्या कर लेगा कोई आदमी होगा, और समाजवादी सरकार आएगी तो भी रद्द रहेगा, फिर थोड़ी मिल जाएगा तुम्हें। तुम तो इतनी बड़ी मुसीबत में आ जाओगे समाजवादी सरकार आने के बाद कि तुम्हारे तो सारे लाइसेंस रद्द होंगे। ये तो तुम 10 महीने के लिए सौदेबाजी तुमने करी है, ये कितने दिन खा लोगे? तुमने ये तो सोचा नहीं? अरे इंसान इंसान की अपनी एक इज्जत होती है रिजवान, ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है। तुम्हें समाजवादी को अभी वोट नहीं देना जी, समाजवादी वाले तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं, मिठाई का भी दे रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी तुम समाजवादी को वोट नहीं दे रहे। कहाँ दे रहे हैं डॉक्टर साहब समाजवादी के? तुम्हारे घर लेके गए थे, तुमने कह दिया कि डॉक्टर साहब को दे रहे, डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, डॉक्टर साहब 10 दे रहे हैं, अब आप बता रहे 15 दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, कितने लेके गए थे मुझे बताया फहीम ने, और ना गलत बता रहे। तुमने उनसे ये क्यों कहा कि डॉक्टर साहब को दे दो, मेरे मालिक तो वो है। अब मुझे भी तुमने गंदा करा, तू फिर तुम पहले चुके थे हैं ना, पहले तो बिगाड़ा डॉक्टर साहब ने, तो बाद में जब इन्होंने जब हालात देखे मेरे, जब उनके जब मैं देख के आया हूँ, वो जाके बोले कि यकीन ना हो तो देख लो जाके, जब मैं रिसोर्ट में देख के आया हूँ तो 34 मेंबर है वहाँ, वो तुम्हारी ऐसी सियासत क्यों किस मेंबर पे थे? अब तुम्हें 2-4 लाख के नहीं, ये तुम्हें 20 ज्यादा नहीं देंगे किसी भी हाल में, मैं अभी लिख के दे दूँ जो तुम जिस लाल बाग में हो कि तुम्हें 35 मिलेंगे और 50 मिलेंगे, 20 से ज्यादा मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मुझे तो इनका हराई में सब मालूम है, समाजवादी वाले दे रहे हैं तो तुम्हें बुरे लग रहे हैं, वो जो जो पार्टी तुम्हारी मस्जिदों तक को नहीं छोड़ रही, शहीद कर रही है इस वक्त, जो मुसलमानों के डंडा करे हुए है, मुसलमानों की पहचान खत्म कर रही है, 4-5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले अगर उसको वोट देंगे तो बेकार है इबादत और नमाज। डॉक्टर साहब बात ये, मेरे वोट से अगर सब काम हो रहे हो तो मैं आ रही हूँ, तुमसे हिसाब देंगे तुम्हारे और तुम्हारे होगा। जाल प्रमुख साहब जो मेन आदमी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, सलीम दो बार बन गए, मैं दूसरे को नहीं जानता, डॉक्टर नजाकत जो तुम्हारे चेले भी रहे हैं, डॉक्टर नजाकत समाजवादी से नहीं जीता, वो समाजवादी नहीं जीता ना, वो मेरा चेला, तुम्हारे लिए तो मैंने तुम्हें तो नेता मैंने बनाया, ये तुम तो अपने दिल से पूछ लो, तुमने तो मुझे धोखा दिया है, अब मुझसे झूठ बोला तुमने ना, झूठ ना बोला डॉक्टर साहब मैंने कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहां हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, जो आपके पास मेरे फोटो आए वो उस दिन के आए जिस दिन मैं देखने गया हूँ। अगर अभी भी आपकी इज्जत बचानी है, इनसे पैसा ले ले और समाजवादी में आ जाए, सब आ रहे हैं वापस, हाँ जी रिजवान भी लेके आ रहे हैं अपनों को, आज ये कसम खा के आए अखिलेश यादव जी के पास जाके, संजीव भी और मुकेश भी, कि हम लेके भी आएंगे और प्रस्तावक भी हम बनेंगे, एक भी वोट समाजवादी का नहीं जाएगा। अब मुझे खतरा तो मेरे वोट का है, तुम इतने हल्के निकल गए, मुझे इतनी हैरत है। डॉक्टर साहब कई बातें ऐसी थी कि इनकी बातें छोड़ो, मेरी इतनी बेइज्जती भी करी है टिकट मेरा जो उसकी काटने के बाद, तो मेरी उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, जब मैं चुनाव लड़ लेता तब इन्होंने मेरा टिकट काटा, फिर उसके बाद एक भी आदमी मेरे चुनाव में बुलवाने नहीं गया, वो तो कह रहे मेरा टिकट एक काटने के बाद, जहाँ जहाँ जुबेर ने इसकी जयवीर यादव से बात कराई है, जयवीर यादव ने वहीं उससे की है। टिकट तुम्हें किसने दिलवाया? टिकट आपने दिलवाया, तुमने मेरी बेइज्जती फिर क्यों करी? उस टिकट का डॉक्टर साहब फायदा क्या हुआ है बताओ तुम जब? क्या उस टिकट का फायदा क्या हुआ जब कोई लड़ाने नहीं आया तो? समाजवादी का समाजवादी का टैग क्या कम बढ़ाएगा कि समाजवादी का कैंडिडेट खड़ा है? समाजवादी का तो वो भी था जुबेर भी तो पोस्टर लगाएगा, कोई नहीं मान रहा था समाजवादी का, सब जब ये डिक्लेयर हो गया कि रिजवान समाजवादी का कैंडिडेट है, उसके जरा वोट देखे कितने काटे हैं, वो तो हिंदू तीन जबरदस्त लगे, तीनों हिंदू तो जीत गए, उसने कितने काटी है? 600-700 वोट ही तो काटे, और कितने 600-700 थोड़ी काटे हैं, 1300 कुछ वोट काटे। चलो मैं कहूँ 1300 काट दिए उसने अपने बल पे, वो तो अगर तीन आदमी हिंदू अगर लड़ रहे होते, तीनों आदमी जमकर लड़े होते तो मैं कभी भी नहीं जीतता। तुम्हारा कहने का मतलब ये समाजवादी की वजह से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है ना? तुम्हारा कहने का मतलब ये है डॉक्टर एल टी अदन के नाम से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ?
तुम्हारा कहने का मतलब ये तुम जो कुछ हो खुद ही हो, इतने बड़े नेता हो गए तुम हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिजवान, जिसको तुमने अपने बाप की तरह समझा था तुमने उसी को धोखा दिया। डॉक्टर साहब मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हें गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं तुम्हें सब बातें। अरे क्या मैं इनसे कह दो, तुम इनसे कह दो तुम अपने आदमी को ला दो, रिजवान रिजवान की जिम्मेदारी मेरी है, तुम अपने आदमी को ला दो, तुम इनसे तो कहो तुम तो अपना आदमी को ला, रिजवान को मिला लूं। जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैंने ली थी जिम्मेदारी की, रिजवान जो मैं कहूंगा करेगा, अब मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता दोबारा, मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा तुम्हें, तुम्हारे तुम्हारा आ गया लाना चाहो तुम होगा पैसे के पीछे, मैं कैसे जिम्मेदारी ले लूं तुम्हारी? और अभी भी मैं कह रहा हूं तुम्हें बीच में दिलवा रहा हूं, अगर तुम्हारा मूड हो तो आ जाओ और अपनी साख बचा लो, पब्लिक में भी, मेरी नजर में भी और समाजवादी पार्टी की नजर में भी। चलो मैं मजबूरा करूँ।